हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं लेकर आई हूँ चॉकलेट केक रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। आज मैं इसे बनाऊंगी इडली कुकर में। इसे विदाउट ओवन ही हम बनाने वाले हैं। आप इसे इजीली बना सकते हैं घर पे। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है मैदा 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम ऑफ ऑल पर्पज फ्लोर। यहाँ मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की है, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ मैंने लिया है आइसिंग शुगर, यानी कि पीसी हुई चीनी। 1 टेबलस्पून हम लेंगे कोको पाउडर। 1/4 टेबलस्पून हमने लिया है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। 1/4 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक। और 1 स्मॉल कप मैंने लिया है मिल्क। डेकोरेशन के लिए मैं लूँगी डेरी मिल्क का एक चॉकलेट, और ये मैं यूज़ करूँगी आज केक में क्रस्ट जैम्स। और मैंने लिया है सनराइज नेस्कैफे का एक कॉफ़ी का पाउच करूँगी मैं डेकोरेशन के लिए। और लेंगे वेनिला एसेंस। इन सभी चीज़ों को मिला के आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी यम्मी चॉकलेट केक। तो इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए आज हम चॉकलेट केक बनाएं। सबसे पहले हमें लेना है इडली कुकर। यहाँ मैंने इडली कुकर में रीयूज सॉल्ट ऐड किया हुआ है। ये सॉल्ट मैंने पहले भी केक बनाने में यूज़ किया है, आप भी इसी तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। 2, 3, 4 बार जितने बार आप केक बनाएं उसमें ये डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं, उसके बाद हम केक का बैटर रेडी करेंगे। केक का बैटर रेडी करने के लिए हमें लेना है एक बाउल। बाउल में हम सबसे पहले ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने एक बड़ा छन्ना लिया है, इसमें हमें इसे अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। 4 टेबलस्पून में यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी यूज़ करने वाली हूँ। और ऐड करेंगे कोको पाउडर, और ऐड करेंगे कॉफ़ी, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छान लेंगे इसे अच्छे से, ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। अब हमें इसमें ऐड करना है ऑयल, कंडेंस मिल्क 2 बड़े चम्मच, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे मिल्क, थोड़ा थोड़ा मिल्क हम ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह का हमें बैटर चाहिए केक का। अब ये अच्छे से बन गया है, तो अब हमें इसमें ऐड करना है क्रश किए हुए जैम्स। मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। मिक्स कर लेंगे। अब चलिए इसे हम बेक करने के लिए रख देते हैं। राउंड शेप का मैंने एक केक टिन लिया हुआ है, इसमें मैंने ऑयल स्प्रेड कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा मैदा से डस्ट कर दूंगी। और अब हम केक का बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। केक का बैटर हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, इसे 1-2 बार हम टैप कर देंगे। और चलिए अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने हीट होने के लिए रख दिया था इडली कुकर को। अब हम इसमें डाल देंगे इस टिन को, केक के टिन को, और इसे ढक के हम रख देंगे। इसे हम 30 मिनट के बाद चेक करेंगे कि हमारा केक हुआ है या नहीं। तो चलिए वेट करते हैं 30 मिनट का। 30 मिनट हो गया है, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा केक
एक टूथपिक से हम इसे चेक करेंगे। केक हमारा हो गया है, नाइफ डाल के भी हम इसे चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं एकदम क्लीन निकला हुआ है नाइफ। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे, ठंडा होने के बाद हम केक को बाहर निकालेंगे टिन में से। तो ठंडा होने का हम वेट करते हैं 10 या 15 मिनट के लिए, इसे ठंडा होने देते हैं। केक हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम नाइफ से इसके चारों तरफ से घुमाते हुए इसे बाहर निकालेंगे। इसे हम पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा केक बना हुआ है, बहुत ही स्पंजी भी बना हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर का कट कर देंगे और अब इसे हम दो लेयर में कट करेंगे। इसे हमने दो लेयर में कट किया है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे शुगर सिरप। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे कंडेंस मिल्क। इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर ये दूसरी लेयर भी रख देंगे। इसके ऊपर भी हम डालेंगे शुगर सिरप और डालेंगे कंडेंस मिल्क। स्प्रेड करेंगे। और अब हमें इसके ऊपर डालना है, हमने जो डेरी मिल्क चॉकलेट लिया था, ये मैंने चिप स्लाइसर लिया है, इसके ऊपर हमें इस तरह इसे करते हुए हमने इसे चॉकलेट से डेकोरेट किया है। अब हमें इसके ऊपर डालना है ये स्प्रिंकल। चॉकलेट केक हमारा रेडी है, बहुत ही सिंपल है बनाना और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब हम इसे कट करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना हुआ है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।